नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईके सिटी न्यूज। थाना मलपरा क्षेत्र के आगरा जयपुर हाईवे के एक गांव की 10 वर्षीय बालिका के साथ किया गया था दुष्कर्म। बताया जा रहा है कि बालिका बाजार में बर्फ खदीरने गई हुई थी, तभी बहलाकर पुचकाकर पड़ोस के रहने वाला एक व्यक्ति जो कि शादीशुदा है, यह बोलकर कि तेरी चाची तुझे बुला रही है घर पर है, यह कहकर बालिका को वह अपने साथ ले गया। फिर वहां से वह खेत में ले जाकर बालिका के साथ दुष्कर्म किया। जब किशोरी की मां करने के बाद घर पहुंची, तब बालिका ने मां को इस घटना की जानकारी दी। मां ने इस घटना की सुनते ही घबरा गई और थाने में जाकर पुलिस को इस घटना के बारे में बताया। पुलिस ने तत्काल रूप से कार्रवाई करते हुए व्यक्ति आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि बेटियां के पिता की 3 माह पहले कैंसर के कारण मृत्यु हो गई है, जिससे घर की स्थिति बहुत ही खराब है। पीड़िता की मां जैसे तैसे करके बच्चों का पालन पोषण कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर नए नए अभियान चलाए जा रहे हैं, उसके बाद भी अपराध रोकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बालिकाओं के साथ ऐसे गंदे अपराध एक के बाद एक सामने आते, शासन प्रशासन का नहीं रहा इन लोगों का डर। वहीं किशोरी की मां ने शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। किशोरी की मां ने कहा है कि ऐसे दंदीरों को आसी दे दी जाए, जिससे कि आसपास के क्षेत्र में कोई व्यक्ति ऐसी दंदीरी करता है तो उसका पहले यह याद आ जाए कि उसके बाद उसका परिणाम क्या होता है। वाईके सिटी न्यूज से हरजीत सिंह वीरो चीफ की रिपोर्ट, आगरा से। क्या नाम है आपका? नाजरीन। नाजरीन, क्या वारदात हुई है, क्या बात हुई है बेटी के साथ? अरे ये लड़की बाजार में खेली थी, बाजार से उसको ले गई। कब की बात है? जो है 10-11 दिन की बात है। 10-11 दिन पहले की बात है। तो उससे गया वो कि तेरी चाची बुला रही है, अपनी बीवी का नाम लिया, बीवी का नाम लेके बोलते हैं क्या तेरी चाची बाजरा काट रही है, चल बाजरे में ले गया। उसको मतलब उसके साथ में गलत करा उसने। अच्छा, तो शादी से था वो? हाँ। कितने बच्चे हैं? बच्चे नहीं है, उसकी 2 बीवियाँ खत्म हो गई, तीसरी बिहार से लाया है। आपको कब पता चला था? हमको पता चला था 4-5 दिन पहले। अच्छा, आपने FIR हमने कल करी है। अच्छा, पुलिस ने पकड़ लिया वो? हाँ बिल्कुल पकड़ लिया। घर वालों से कहा था उसके, तो लोगों ने कोई उस पर एक्शन ले लिया, जब हमने पुलिस की मदद ली। कितने साल की थी बिटिया? लड़की मेरी 9 साल की है, 10वीं में चल रही है। अच्छा, बिटिया घर थी उस समय? हाँ, बाजार में थी। बाजार में थी, बाजार से ले गया था वो लोग। कितने बजे की बात होगी जी? ऐसी है 1:30 बजे की बात है। आप शाम को घर पर आए? हाँ, तब पता चला जब हमको मालूम पड़े। अच्छा, फिर ऐसे धरंधे के लिए आप सरकार से क्या मांग करती हैं? यही मांग करते हैं, उसको फांसी होना चाहिए, और क्या करना है। अच्छा। क्योंकि मेरी बच्ची की तो जिंदगी बर्बाद हो गई, कौन ले जाएगा उसको करके? दुनिया में धू धू हो रही है, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। मैं रान भी हुआ 3 महीने पहले, मेरा आदमी मरा, और इससे ज़्यादा और क्या होगा? कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं, 3 लड़कियाँ, 2 लड़के हैं। अच्छा, आदमी एक हो गया आपका। हाँ।